एबीसीडी तो आपकी पढ़ के हो गई। अब हम लोग जोड़ अक्षर सीखेंगे। जोड़ अक्षर मतलब क्या? दो अक्षर एक साथ लाकर एक शब्द तैयार करना है, इसे हम जोड़ अक्षर कहते हैं। जैसे टी ओ टू, क्या? टी ओ टू। डी ओ डू, डी ओ डू। जी ओ गू, जी ओ गो होता है बेटे, जी ओ गो, जी ओ गो। ऐसा क्यों होता है माँ? टी ओ टू डी ओ डू, तो जी ओ गो कैसे होता है माँ? आप मुझे हिंदी सिखाओ, इंग्लिश मत सिखाओ। इंग्लिश अच्छा नहीं है बेटा, हिंदी तो सीखना ही है, लेकिन इंग्लिश सीखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि समाज में अगर इंग्लिश नहीं आया तो अनपढ़ ही समझा जाएगा, इसीलिए इंग्लिश सीखना भी जरूरी है। लेकिन माँ इंग्लिश अच्छी नहीं है। लेकिन तेरे कहने से थोड़े ही होगा, तू बोलेगी और सब मानेंगे। देखो बेटा, माँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर। गुड, अभी तू बोल, पिताजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाबा दर। ऐसा नहीं बेटे, बाबा को फादर बोलते हैं। ऐसे कैसे? माँ को मदर तो बाबा को बाबा दर। अरे बाबा, तू ये सब सवाल ना तेरे पिताजी आएंगे उनसे करना। माँ पिताजी आ गए। अरे अरे रुक, कहाँ जा रही है? पिताजी। जब देखो पिताजी पिताजी पिताजी। माँ पिताजी आ गए। माँ मैं भी जाऊँ? हाँ वो गई ना, अब तू भी जा, पिताजी की बच्ची। अरे छोटी गिर जाएगी ना तू। अरे बैठिए 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 बैठिए, आप लोग बैठिए। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं वकील साहब। आज कचहरी में बहुत टाइम लग गया। एक ऐसा केस आ गया, सुलझाना बहुत मुश्किल था। जाने दो, बोलिए। देखना पिताजी आ गए, आते ही उनको सब ने घेर लिया। उनको कोई कहता है कि हमारा ये काम कर दो, कोई कहता हमारा पैसे का काम कर दो, तो कोई कहता हमारा कचहरी का काम कर दो। अभी देखना। माँ कहती है ना, पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, पिताजी सबका काम करते हैं, इसीलिए सब लोग उनको मानते हैं। चल हम लोग माँ को जाके बताते हैं। माँ पिताजी आ गए, लेकिन आते ही कचहरी में जाके बैठ गए। कोई बोलता है कि मेरा ये काम कर दो, कोई बोलता है मेरा वो काम कर दो। अभी उन लोगों से उनको फुर्सत ही नहीं है, उनको पानी देने वाला भी कोई नहीं है। बसंती, ओ बसंती। हाँ माँ। तेरा भैया आया क्या? भैया अभी अभी आया है। उसके कचहरे में और कौन कौन है? और नीचे कचहरे में बहुत सारे लोग हैं। मुझे मालूम पड़ा कि मित्तर साहब भी आने वाले हैं। मित्तर साहब क्यों आ रहा है? उसको मेरे बेटे से क्या काम पड़ा? वो किसके लिए आ रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ काम है। वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे बेटे से मिले। आज वैसे भी भैया बहुत आज परेशान दिख रहे हैं। मित्तर जैसे लोगों का ऐरा गहरा काम करना, इसके लिए अपने दिमाग को खराब करना, मुझको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सोचा था कि नीचे पानी देने जाऊं, लेकिन नीचे बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं जा सकती। पानी अगर तू लेकर नहीं जा सकती तो कोई और नहीं है क्या? इसके पहले मैंने अपने बेटे से बहुत बार बोला कि उस आदमी से दूर रहो, फिर भी वो क्यों आ रहा है? भाभी को तो पता नहीं है कि मित्तल साहब आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी संदेशा भेजा है।
वो आएंगे तो कुछ खातिरदारी तो करना पड़ेगा ना। खातिरदारी की क्या बात है, वो मैं देखूंगी। तो भाभी को बोलूं क्या? नहीं, बेटी को अभी कुछ मत बताना, पहले तो उनको आने दो, क्या काम है देखते हैं, फिर बेटी को बोलूंगी। साथ में उनकी माताजी भी आने वाली है ऐसे मैंने सुना। मैं अपने घर में ये झंझट लाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मालूम नहीं मेरे नसीब में क्यों रखा है, ये मिस्त्री ही क्यों लिखा है। मेरा बेटा घर से 10 बजे बाहर जाता है और शाम को घर आता है, तो भी उसको थोड़ी सी भी शांति नहीं। वो जब आता है ना तो मुझे बहुत चिंता लगी रहती है। वो आदमी सीधा नहीं है और मेरा बेटा बिल्कुल भोला है। तू एक काम कर, सब लोग जाने के बाद उसको मेरे पास भेज। अच्छा ठीक है। पिताजी आप क्या काम करते हो? मैं वकील हूँ बेटा। वकील यानी कि? मैं लोगों को न्याय देता हूँ। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। पिताजी माँ आपकी कौन लगती है? माँ मेरी दोस्त है। माँ की शादी हो गई? हाँ हो गई। उसने आपको शादी में बुलाया था? शादी में तो नहीं बुलाया। मुझे भी नहीं बुलाया। अच्छा, आपको शादी में नहीं बुलाया? ये तो बहुत बुरी बात है। मैं माँ से कट्टी कर दूंगी। अरे अरे आइए मित्र साहब, आसन ग्रहण करें। बेटा तू अंदर जा। मेरा आसन तो आपने पहले ही छोटे लोगों को बैठा के अछूत कर लिया। ओहो कोई बात नहीं, आप मेरी कुर्सी में बैठ जाइए। नहीं बेटे, इधर ही बैठेंगे हम लोग। बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र साहब, आप तो जानते हैं मैं जात पात और छुआछूत को नहीं मानता, सब ईश्वर के संतान हैं और हम सब एक हैं। मेरी जमीन का कुछ समस्या है तो उसी का इसके लिए दस्तावेज ये जगह देख लीजिए। मित्र साहब ये तो गलत है, ये तो पूरी तरह से अन्याय है। ये जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं ये तो पूरी तरह से गलत है, और ये चीज तो मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लीजिए। वकील साहब ये तो काम आपको करना पड़ेगा। मित्र साहब हाँ ये मेरा पेशा है, पर मेरे पेशे की एक नीति है और इन कागजातों में ये साफ साफ दिखाई दे रही है कि आप गरीब किसानों का जमीन हड़प कर उन्हें बेदखल कर उसे अपने नाम पे करना चाहते हैं। गरीबी के ऊपर अगर हम लोग अन्याय नहीं करें तो फिर हम लोग बड़े कैसे हो जाएं, अमीर कैसे? लेकिन मित्र साहब मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लीजिए। वकील साहब आपको तो मालूम है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जमाना था हमारे हुक्म के बिना यहाँ लोगों को पानी भी नहीं मिला, और आज भी हम जब सड़क पे चलते हैं तब लोग हमारे सामने सर झुका के चलते हैं। मित्र साहब या आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है, और आज के समय पे ये अहंकार ही आपका शत्रु है। हम हैं इसलिए अहंकार है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और भगवान करे आपको लोग ऐसे ही सम्मान करते रहें। मगर ये जो मांग आपकी है इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया वकील साहब। चलो बेटे हम निकलते हैं।
हमें यहाँ नहीं ठहरना है। वकील अब जरूर है, लेकिन वकालत का पहला पार्ट आपने नहीं पढ़ा है। अच्छा सुनो, कल सवेरे मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे क्या क्या लाना है मुझे जल्दी बता दो। अरे पहले स्नान तो कर लीजिए, गर्म पानी रख दिया है, फिर जलपान कीजिए, आराम से बातें करेंगे। वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये तो बताओ कि मुझे क्या क्या लाना है। मुझे क्या चाहिए आपको मालूम है, दे दीजिए। अभी मैं वो कैसे लाऊं? क्यों, आप तो बड़े वकील हैं, शिवजी की अदालत में मेरे तरफ से वकालत नहीं कर सकते? शिवजी की अदालत में मेरी वकालती तो नहीं चलती ना। क्यों, कोशिश तो कीजिए, देखिए शायद वो सुन ले। अच्छा ठीक है, वो भी कोशिश करके देख लूंगा। हमेशा पूछते रहते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, उन्हें पता है मुझे क्या चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो मुझे ला के दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। पिताजी गाना गा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो। सरे ग प ध सा वे सा सा रे ग प रे ग प ध सा ध प ग रे सा लगन जा की लगी वे जा संग लगन जा की लगी रे जा संग लगन जा की लगी रे जा संग लगन जा की लगी निस दिन सोता ही के गुण गावे निस दिन सोता ही के गुण गावे लगन जा की लगी रे जा संग लगन जा की लगी। क्या हुआ क्या हुआ बेटा? हमें गाना सिखाओ ना। मुझे भी दिल करता है गाना सीखने का। नहीं बेटा, हमारे यहाँ लड़कियाँ गाना नहीं सीखती हैं। लड़कियों को गाना सीखना अच्छा नहीं समझा जाता है। तो फिर क्या करना, स्कूल नहीं जाना, गाना नहीं सीखना, तो फिर घर पे ही बैठे रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, हमारे बड़ों ने जो नियम बनाया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, अच्छा माँ ठीक है। मोरी लगन संगीत सो लागी मोरी लगन संगीत सो लागी दुनिया छोड़ भयो बैरागी दुनिया अब मोहे कछु भा वे न सुहावे अब मोहे कछु भा वे न सुहावे लगन जा की लगी रे जा संग लगन जा की लगी।
रे जा संग लगन जाकी लगी, निस दिन सोता ही के गुण गाव, निस दिन सोता ही के गुण गाव, लगन जाकी लगी। शलभ ज्योत पर प्राण लुटावे, शलभ ज्योत पर प्राण लुटावे, पपिहा पपिहा पिहु पिहु रटन लगावे, पपिहा पिहु पिहु रटन लगावे। नदिया सागर की ओर धावे, नदिया सागर की ओर धावे, लगन जाकी लगी, रे जा संग लगन जाकी लगी, रे जा संग लगन जाकी लगी। निस दिन सोता ही के गुण गाव, निस दिन सोता ही के गुण गाव, लगन जाकी लगी। माँ, माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ, पिताजी के बारे में छोड़कर और कुछ पूछना है तो पूछो। लेकिन क्यों माँ, वो मेरे पिताश्री हैं, उनके बारे में जानना मेरा अधिकार है या नहीं, वो कहाँ है, किस हालत में है, ये मुझे आज जानना है। बेटा, बचपन में तुम्हारे पिताजी घर छोड़ के चले गए, तब से आज तक तुम्हारे पालन पोषण में कोई कमी रह गई है क्या? तुम्हारे बचपन के खेल और खुशियाँ, पढ़ाई, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई? तुम याद करके देखो, तुम कभी भूखे रहे थे क्या? तुम याद करके देखो, बचपन से आज तक तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी की कि नहीं? तुम्हारे पिताजी ने इस घर परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक कर्तव्य का हमेशा पालन किया, ये महत्व का है। वो कहाँ रहे, कैसे रहे, ये भी महत्व का नहीं है। लेकिन ये भी महत्व का नहीं है, उन्होंने हमारा घर परिवार कैसे चलाया। मुझे लगता है इतने सालों के बाद उनके बारे में जानकारी लेना कोई जरूरी नहीं है। तुम तुम्हारा काम और परिवार का ध्यान रखो। अभी तुम्हारा परिवार छोटा है, आगे वो बड़ा होगा, तो ऐसे बातों में ध्यान देकर तुम अपने आप को विचलित मत करो। अपने पारिवारिक कर्तव्य को सफलतापूर्वक निभाओ। आपने जो कहा वो सत्य है, पर फिर भी मुझे लगता है तुमको कचहरी में जाने के लिए देर हो रही है, तो अब तुम जाओ।
शिव जी, मुझे आपने सब कुछ दिया है, एक प्यार करने वाला पति, बच्चे, मान सम्मान, एक स्त्री को जो कुछ चाहिए वो सब आपने दिया है, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है, वो पूरी कर दो, मुझे एक लड़का दे दो। हे भगवान, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। हे शिव जी, इसको मैं आप ही का आशीर्वाद मानती हूँ।